वेलकम बैक टू द रुकी टेक। आज हम लोग बात करेंगे वही चीज़ की जो हमने छोड़ी थी बीच में। लास्ट टाइम मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ कुछ रीजन्स की वजह से, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि ट्रैफिक कैसे ड्राइव करना चाहिए हमें हाई सीपीसी कंट्रीज से। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो मेरा कुछ हद तक बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस रहा हुआ है, ठीक है। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना आपने, जाके सब्सक्राइब कर लो यार एक नंबर पहले तो, और बेल आइकन प्रेस कर देना। डायरेक्ट चलते हैं ब्लॉग पे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये मेरा ब्लॉग है, रिफ्रेश कर ले तो एक बार, ठीक है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपको दिखाऊँगा वो ये है कि मेरा जो ब्लॉग है ये मोनिटाइज्ड है, ठीक है। देखिए ये मोनिटाइज्ड है, मैंने इस पर कोई अलग चीज़ नहीं की हुई है। मैंने पूरे एड्स फ़िलहाल बंद करके रखे हुए क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कहीं मेरा ब्लॉगर जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है हर एक चीज़ को, वो मुझे देखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अगर आपका ब्लॉगर नहीं हो रहा है तो उस पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, ठीक है, ब्लॉगर आपको कैसे करना है मोनेटाइज, ठीक है। तो अब बात करते हैं सीधा तीन चीज़ों के लिए जो मैं आपको पहले बताऊँगा आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपके ब्लॉगर में जाके कुछ फाइल्स जो है वो बनानी ही है, आपको उतना क्रिएट करना ही है, ठीक है। नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही डालना है, ठीक है। एक मेटा टैग होता है डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ के लिए। उसके बाद में आपको लेना है एक कस्टम डोमेन, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, मेरा पहले था thevarietystuffs.blogspot.com, अब ये होता है thevarietystuff.com, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो कस्टम डोमेन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में आपको आपके जितने भी पोस्ट वगैरह है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जाना है सर्च एंड प्रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ एडिट करना है, डिस्क्रिप्शन यानी मेटा टैग्स देख आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने डाला हुआ है, जो मैंने वहाँ पे डाला वही मैंने यहाँ पे डाला है, कुछ अलग नहीं किया। अब कस्टम पेज नॉट फाउंड, कस्टम पेज यानी क्या होता है, जब आप किसी आपका कोई लिंक मर जाता है ना, डेड हो जाता है, तो आप वहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। कस्टम रिडायरेक्ट्स भी वही है, अगर आपकी कोई लिंक डेड हो गई है तो आपको वहाँ पे डालनी पड़ती है, मैं आपको ये बाद में बताऊँगा कैसे करना है। क्रॉलर्स, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल जो है इसमें आपको जाके करना है, ठीक है। पहले गूगल सर्च कंसोल में आपको ये आपकी जो वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है वो आपको ओनरशिप वहाँ पे आपको दिखानी पड़ेगी, वो आपको मैं नेक्स्ट इसमें ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में कस्टम robot.txt आपको ये करना ही है, देखिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है, ये भी आपको डालना है। ये भी आपको कैसे डालना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सर्च कंसोल में भी आप जाके क्या कर सकते हो, ओनरशिप आपको करना है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अब कस्टम रोबोट टैग, ये जो हेडर्स है ये आप देख लो यहाँ पे, ठीक है, सेम आपको करना है। ये आप स्नैप मार सकते हो अगर आपको करना है तो, या आप पॉज करके देख सकते हो उसको, ये चीज़ बिल्कुल आपको करना ही है। अगर ये आप नहीं करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं से रुक सकता है, ठीक है। अब कस्टम एड्स txt आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास है, ठीक है। ये कस्टम एड्स txt यानी आपका जो आपने अगर कोई और डाली है गूगल की एडवर्टाइजमेंट और कहीं से आप ले रहे हो, या कोई और एडसेंस अकाउंट आप चला रहे हो इस पर, तो आपको ये डालना ज़रूरी है, ठीक है। इस पर आप दो तीन चला सकते हो। उसके बाद में कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको करनी है आपके पोस्ट में, मैं आपको सीधा डायरेक्टली बता देता हूँ, मुझे छुपाने वाली बातें नहीं जमती। आपको सिर्फ वही टैग्स डालने हैं जो आने वाले इसके हैं, यानी जैसे iPhone SE 2 या आपको देख आप देख सक रहे हो, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई और टैग्स नहीं डालने हैं। आपको टैग्स कहाँ से मिलेंगे मैं ये भी आपको नेक्स्ट इसमें बताऊँगा जो आप डालोगे। आपको आपकी इमेजेस कॉन्स्टेंटली इसको कुछ ना कुछ नीचे डाल के ऑप्टिमाइज़ करना ही है, ठीक है। तो इसी तरीके से नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसी तरीके से ही आता है,
ट्रैफिक कोई अलग नहीं है। और सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है, आपको एरिया टारगेट करना है। मैंने एरिया कैसे टारगेट किया था मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एरिया मैंने जो टारगेट किया था वो बेसिकली किया था सिर्फ और सिर्फ कुछ मेरा जो ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसको एडवर्ड्स में चला के। मैंने सिर्फ वो बेसिकली उस कंट्री को टारगेट किया था जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आना चाहिए, ठीक है। जब मैंने वो किया उसके बाद में मेरा एडवर्ड का अकाउंट जो है वो मैंने उसकी एडवर्टाइजमेंट हटा दी, बट स्टिल उसके बाद में भी मेरे इस पे आप देख सकते हो, आज का भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ से मेरा ट्रैफिक आया है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए आज भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कस्टम डोमेन लेने के फ़ायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखते रहिए और बिल्कुल लाइक कर देना अगर आपको पसंद आया तो, और मैं आपको ऐसी वीडियोस देते रहूँगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है भूषण, बाय बाय।